ओके सो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमने हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, यू ऑलरेडी नो कि हमारे पास स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस और लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस के, हमारे पास स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन और लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस के नेटवर्क्स हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आपका घर, जैसे फॉर एग्जाम्पल योर होम, योर बिजनेस एंड योर यूनिवर्सिटी विच इज एंटरप्राइज। अब इन सब केसेस में दे नीड टू बी कनेक्टेड टू द इंटरनेट एंड फॉर दिस वी हैव सीन दैट दे नीड टू कनेक्ट टू डिफरेंट, मे बी सेम मे बी डिफरेंट ISPs। फॉर एग्जाम्पल समवन मे बी कनेक्टेड टू द PTCL, समवन मे बी कनेक्टेड टू द नेटेल, समवन मे बी कनेक्टेड टू दी स्ट्रॉन्ग फाइबर, सम मे बी कनेक्टेड, अभी हम बात करेंगे, मे बी कनेक्टेड टू दी जैज, टू यू फोन, यू टेलीनॉर, टू वारेद एंड सो ऑन। तो दीज आर दी ISPs। अब इन ISPs तक कनेक्ट होने के लिए, इन ISPs तक कनेक्ट होने के लिए व्हाट आई नीड, एन एक्सेस नेटवर्क, एन एक्सेस नेटवर्क। लेडीज एंड जेंटलमैन, वी हैव सीन द लास्ट क्लास दैट वी स्टार्टेड विद दी मॉडेम एंड आई इन द लास्ट क्लास प्रोबेबली आई हैव शोन यू दी 56 के मॉडेम एज वेल। द मेन डिसएडवांटेज ऑफ द मॉडेम वॉज एट दैट टाइम वॉज दी ओनली, और दी टू मेजर डिसएडवांटेज, एडवांटेज वॉज दी ओनली दैट इट वॉज यूजिंग दिस एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने की जरूरत है, ओनली द यूजर हैव टू इंस्टॉल और टू बाय ए चीप मॉडेम एंड इट द मॉडेम कैन बी पुट इन विद इन दी मदरबोर्ड, विच मीन्स इट कैन बी इंस्टॉल्ड एज ए PCI इन द PCI स्लॉट और इट मे बी पुट एक्सटर्नल टू द डिवाइस। तो आई हैव शोन यू इन द लास्ट क्लास एन एक्सटर्नल मॉडेम इफ यू रिमेंबर। नाउ द प्रॉब्लम वॉज हेयर, स्पीड वॉज लो ऑल्दो इट वॉज 56K, बट मोस्टली यू आर नॉट गेटिंग अबव 10K एंड इवन द लाइन इफ बिकम नॉइजियल स्पेशली ड्यूरिंग द रेन पीरियड्स, द स्पीड यू मे नॉट गेट इवन 2 kbps। सो द स्पीड वॉज वेरी लो एंड द सेकेंड डिसएडवांटेज वॉज दैट, द सेकेंड डिसएडवांटेज वॉज दैट इफ यू आर यूजिंग अ फोन यू कैनॉट यूज द डेटा एंड वेन यू आर यूजिंग अ डेटा यू कैनॉट यूज अ फोन। सो दैट एंड डेफिनेटली वेन यू यूज डेटा एंड द स्पीड वॉज स्लो, यू अंडरस्टैंड दैट यू विल टेक आवर्स टू डू सम डेटा टास्क, सो फॉर आवर्स यूर फोन रिमेन बिजी। सो कंपनीज, नीदर कंपनी नॉर द पीपल वर हैप्पी विद दिस। कंपनी क्यों नहीं हैप्पी, क्योंकि उसको 2 घंटे कनेक्शन चलता था और 1 कॉल के पैसे मिलते थे, तो वो भी खुश नहीं थी, तो इस वजह से उनका रेवेन्यू भी डाउन हो गया। तो मॉडेम की टेक्नोलॉजी इसलिए कामयाब नहीं हुई। देन वी केम विद दी DSL, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। हमने पढ़ा कि दिस डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, हमने पढ़ा कि दिस डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, आगे देखिए जी, पढ़ा मैं इधर रहा हूँ, दिस डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन वॉज ऑफ टू टाइप्स, वन वॉज द ADSL एंड द अदर वॉज द SDSL और यू मे से द VDSL। दिस ADSL स्टैंड फॉर एसिमेट्रिक DSL, मोस्टली यूज फॉर दी स्मॉल यूजर्स, ठीक है जी। उसके मॉडेम के मुकाबले इट वॉज वेरी नाइस, नो डाउट एज कंपेयर टू द मॉडेम दिस वॉज नाइस बिकॉज वो किलोज में देता था, ये मेगाज में देता है। लेकिन इसकी जो और एक इसकी अच्छी करेक्टरिस्टिक उस वक्त के लिए कि इसका डाउनलोड वॉज गुड, दी अपलोड वॉज स्लो, और यूजर का बिहेवियर भी यही था, यूजर का मलिया बिहेवियर भी यही था कि वो अपलोड पूरे दिन में कहीं 2 ईमेल करता है, लेकिन 50 YouTube से वीडियोस देखता है, फेसबुक से देखता है, ट्विटर पे चीजों को देखता है। तो डाउनलोडिंग वाज मोर, अपलोडिंग वाज टू लेस, तो इट वाज नाइस। लेकिन फिर क्या हुआ ADSL के साथ कि ADSL में भी लोगों का ट्रेंड बदला और उन्होंने भी अपलोडिंग ज्यादा शुरू कर दी। जैसे मैंने आपको अपनी एग्जाम्पल दी थी कि मुझे कहा गया कि जी ड्यूरिंग द कोविड पीरियड कि आप लाइव स्टूडेंट के पास जाओ, तो मैंने कहा जी लाइव तो जाऊंगा, मेरी स्पीड जो है वो अराउंड 1 Mbps है अपलोड की, स्टूडेंट इतना खुश नहीं होगा। उन्होंने कहा बस यही टेक्नोलॉजी है तो जाओ इस पे, तो हम चले गए।
फिर हमें कहा गया कि जी वो वीडियो भी रिकॉर्ड करो और इनको इनकी तरफ थ्रो करो, तो वो रिकॉर्ड करना और फिर आपकी तरफ थ्रो करना, अगेन 3 घंटे की वीडियो वॉज टू लार्ज साइज, उसको भेजना वॉज डिफिकल्ट टास्क विद ए स्लो अपलोडिंग स्पीड. फिर हमने कहा कि जी इसी का दूसरा भाई हमने ले लिया एंड डैट वॉज दी केबल नेटवर्क. और इस केबल नेटवर्क में हमने कहा कि जी जो हमारा टीवी का नेटवर्क है, आज भी हमारे घरों को टीवी प्रोवाइड करता है सम 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 कुछ घरों को, उसने उसको हमने कहा कि तुम डेटा भी साथ ऐड कर लो. और इसकी हमने एक अच्छी एग्जांपल फाइबर हाइब्रिड फाइबर कोएक्स एचएफसी को आपके सामने प्रेजेंट किया. ये मैं नई कोई चीज नहीं बता रहा, जस्ट अपने आप को और आप लोगों को अपडेट कर रहा हूँ कि ये चीजें हमने पढ़ी हैं. फिर हमने नंबर 4 पे कहा लेडीज एंड जेंटलमैन कि जनाब ये सारी की सारी, चाहे डीएसएल था चाहे वो केबल था, दे आर ऑन कॉपर, इधर कोएक्सियल और ट्विस्टेड पेयर. हमने कहा कि जी व्हाई नॉट वी शुड गो टू दी हमने कहा कि व्हाई नॉट वी शुड गो टू दी ऑप्टिकल. आगे आ जाओ. व्हाई वी नॉट वी शुड नॉट गो टू दी ऑप्टिकल. तो ऑप्टिकल के केस में हमने 3 टेक्नोलॉजीज को स्टडी किया. नंबर 1 फाइबर टू द कैबिनेट या फाइबर टू द कर्व. फिर हमने बात की फाइबर टू दी टू द बिल्डिंग. और फिर हमने बात की फाइबर टू द होम. फाइबर टू द कर्व की अच्छी एग्जांपल इवन डीएसएल में भी एक फैसिलिटी मिल रही कि आपके घर के कहीं करीब आज भी कहीं जगह पे पीटीसीएल के बड़े बड़े कैबिनेट्स लगी हुई हैं और उनके ऊपर फ्लैश फाइबर लिखा होता है. तो दे वर दी द पॉइंट जहां तक सेंट्रल ऑफिस से उस जगह तक फाइबर पे आता है और आगे फिर वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं टू कॉपर. ठीक. फिर हमने कहा लेडीज एंड जेंटलमैन के जो बड़ी बिल्डिंग्स हैं, जैसे मिसाल तौर पे गुलाजी है जहाँ पे हंड्रेड ऑफ शॉप्स हैं, या डीन प्लाजा है, या इस किस्म के और प्लाजाज हैं, तो उन तक व्हाई नॉट उनके प्रीमिसेस तक, उनके गेट तक, हम उनके डोर स्टेप तक हम फाइबर पहुंचा दें. और अंदर उनकी ऑलरेडी वो हुई हुई है, फैसिलिटी मौजूद है कॉपर की, वो कॉपर पे अपने अपने शॉप्स तक, अपने अपने बिजनेसेस तक, अपने अपने फ्लैट्स तक ये चीज पहुंचा लेंगे. तो डैट बिकेम फाइबर टू दी बिल्डिंग. देन सोचा गया कि क्यों ना हर एक घर तक फाइबर पहुंचाया जाए. एंड देन बिकेम द फाइबर टू द होम. तो फाइबर टू द होम की एक अच्छी एग्जाम्पल जो है डैट बिकेम योर POON, पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क. इसको क्यों पैसिव कहते हैं? क्योंकि आपके घर तक के करीब तक ये फाइबर पे जाता है और उसके आगे एक पैसिव डिवाइस जिसको स्प्लिटर कहते हैं वो लगा दिया गया. उस स्प्लिटर के जरिए आप एक फाइबर से आता है एंड लेट बी 32 फाइबर्स में स्प्लिट हो जाता है और वो 32 घरों तक पहुंच जाता है. तो लाजमी तौर पे फाइबर का मेजर डिसएडवांटेज ये है कि वो आपको हाई कैपेसिटी देता है. आप उसे गीग्स में लेना चाहें, 10 गीग्स लेना चाहें, 40 गीग लेना चाहें, इवन जो अगर हम बात करें अबाउट दी, ये मुझे याद करवाओ कि अगली क्लास में इस टेबल को पीछे कर दिया जाए और वहां से एक टेबल यहाँ पे रख दी जाए, तो एक तो स्पेस बढ़ जाएगी, एक इस तरफ बिल्कुल नजर नहीं आता टीचर को, तो इसको रिप्लेस कर दें. ठीक. ओके. तो फाइबर टू दी पॉन का बात कर रहा था. तो हमने कहा कि जनाब हम स्पीड इवन इन द कोर यू कैन गेट टेराबिट्स पर सेकेंड ऑन द फाइबर. तो हाई कैपेसिटी आपके घर तक पहुंच गई. अब उसके बाद मलिया का क्वेश्चन ये बनता है कि जी फिर उसको क्यों ऑप्टिकल से इलेक्ट्रिकल में क्यों कन्वर्ट करते हो? ये चाहे घर में हो, चाहे वो बिल्डिंग में हो, चाहे वो कैबिनेट हो, कहीं ना कहीं तुम इसको फाइबर इसको इलेक्ट्रिकल में जरूर कन्वर्ट करते हो. तो मलिया जवाब दे देगी क्यों करता हूँ जी, करते हैं ना, क्यों करते हैं, क्योंकि एक हफ्ता रह गया अब, तो क्यों क्यों के सवाल ही नजर आएंगे. व्हाई हाउ बदकिस्मती इज जस्ट वन वन वीक अवे जी.
इसका मतलब है कि जो डिवाइसेस हैं हमारी मलिया, वो सारी की सारी इलेक्ट्रिकल हैं, चाहे वो आपका स्मार्टफोन है, चाहे आपका वर्क स्टेशन है, आपके सामने जो पड़ा हुआ है, क्या ये ऑप्टिकल पे चलता है? नहीं, क्योंकि इसमें ऑप्टिकल प्रोसेसर नहीं है, इसमें ऑप्टिकल रैम नहीं है, इसमें ऑप्टिकल मेन बोर्ड नहीं है। तो जो भी डिवाइसेस हैं दे वर्क्स ऑन दी इलेक्ट्रिकल। तो लेकिन हम इसको उस वक्त तक ले जाना चाहते हैं, हम इसको उस वक्त तक ले जाना चाहते हैं जब तक, gentlemen, do you want to continue the same which I did with you in last class? सुधरने नहीं है, आगे आ जाओ। नहीं, क्लास लेने का दिल तो डोंट डिस्टर्ब अदर्स, एंजॉय दी हॉस्टल में अपनी नींद एंजॉय करो। ओके, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम बात, कितना बुरी बात है कि देखें रिकॉर्डिंग में भी ये चीज आएगी कि जी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के साथ इस तरह वो किया जाता है, लेकिन क्या करें, एक को आगे लेकर आए हो तो नहीं दूसरा सुधरा कि भाई मैं संभल जाऊं। कॉन्स्टेंटली मैं क्यों कह रहा हूँ, तो मैं बता भी रहा हूँ कि वहां से मुझे नजर नहीं आ रहा है कि मुझे वहां से डिस्टर्बेंस आ रही है, तो फिर भी नहीं समझ रहा, वो कहता है कंटिन्यू करूंगा। व्हाट्स योर नेम जेंटलमैन? जुनेद, जुबैर। तो जेंटलमैन, हम बात कर रहे थे कि हमने उसके घर तक पहुंचा दिया, क्यों? क्योंकि इसमें सबसे बड़ी खूबी फाइबर की एटेन्यूएशन काम, हाई बैंडविड्थ, हाई कैपेसिटी बैंड और एटेन्यूएशन काम। तो इसका मतलब जो सिग्नल मिलेगा वो ज्यादा बेहतर हालत में होगा और उससे आपके लाजमी तौर पे लॉसेस और एरर के चांसेस कम है। गॉट इट एवरीवन? कि नहीं? ओके, तो इसके मुकाबले में हमने कहा कि फिर हमने एक्टिव ऑप्टिकल नेटवर्क की बात भी की थी, AON की बात भी की थी, जहां पे हम पैसिव डिवाइस की बजाय एक्टिव डिवाइस लगा देते हैं, यानी कि राउटर लगा देते हैं। कौन सा राउटर? ये वाला राउटर नहीं, ये वाला राउटर, ये वाला राउटर नहीं। क्यों मलिया, ये राउटर क्यों नहीं? ये इलेक्ट्रिकल राउटर्स हैं, वहां पे ऑप्टिकल राउटर होगा, क्योंकि ऑप्टिकल सिग्नल आ रहे हैं, तो अगर इस पे लगा भी दोगे तो इसको समझ नहीं आ सकती। तो दैट द रीजन द राउटर विच वी यूज आर द ऑप्टिकल राउटर। अब उसका फायदा क्या है कि वहां पे क्योंकि वो एक्टिव है, वो सिग्नल को बूस्ट कर देता है। जब बूस्ट कर देता है तो या रिपीट कर देता है तो क्या होगा, अब वो आगे तक लंबे डिस्टेंस तक जा सकता है। कॉपर में यू कांट एक्सपेक्ट मोर देन 5 किलोमीटर, और यहां पे आप अगर 50 किलोमीटर तक भी ले जाना चाहें, 70 किलोमीटर तक भी ले जाना चाहें, तो इट्स पॉसिबल। तो दैट इज अ बिग बिग एडवांटेज फॉर द कंपनीज। इस वजह से आपने देखा होगा कि जो बड़े शहर हैं जैसे पिशावर फॉर एग्जाम्पल, तो वहां पे एक सेंट्रल ऑफिस नहीं है। अगर आप में से जो लोग हैदराबाद में रहने वाले हैं, तो वो या तो फेज 3 से उनको कनेक्शन मिल रहा है या फेज 7 से मिल रहा है, तो एक हैदराबाद में दो की क्या जरूरत, नंबर वन। फिर यूं ही खैबर एक्सचेंज इसके पास आए यूनिवर्सिटी रोड पे, तो खैबर एक्सचेंज के सामने, इसके सामने चीफ बर्गर के सामने फिर खैबर एक्सचेंज बना दी। फिर चंद किलोमीटर गए और रेलवे स्टेशन कैंट के सामने एक और बना दिया। फिर चंद ही किलोमीटर आगे गए तो खैबर बाजार में फिर बना दिया। फिर जीटी रोड के एंड पे बना दिया, क्वाट रोड पे बना दिया, चरसेदा रोड पे बना दिया। क्यों? क्योंकि भाई हमें कॉपर एक खास हद तक ले जा सकती है, लेकिन फाइबर कैन टेक अस टू ए वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। क्लियर हो गया एवरीवन? तो ये सारी चीजें लेडीज एंड जेंटलमैन हमने अभी तक कवर की, जो कि डेफिनेटली आपके एग्जाम में आपको दिखाई देंगी, क्योंकि हमने इस पर काफी वीक्स लगा दी अब। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम वायरलेस को हाथ लगाते हैं।
कल सेक्शन ए ये मुझे बताएं कि बी और ए और बी में, सॉरी बी और सी में कल मेरी दो क्लासेस हैं, किसके साथ आप लोग उस वक्त फारग होंगे? तो हमारी क्लास चल, वरना मैं चाहता था कि आज कुछ पढ़ा दूं और कल भी कुछ पढ़ा दूं, क्योंकि उन्होंने पढ़ना है, तो वो चीज जो भी पढ़ी जाएगी डेफिनेटली डेफिनेटली पार्ट ऑफ द एग्जाम, तो मैं चाहता था कि वो कुछ आज और कुछ कल में डिवाइड कर दूं। पॉसिबल? बाद में देख लो, फिर कोई ना कोई रास्ता निकालते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब हम आते हैं वायरलेस। वायरलेस का मतलब है कि नो गाइडेड मीडिया, नो गाइडेड मीडिया। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर गाइडेड मीडियम नहीं है, अनगाइडेड है, यानी कि वायरलेस है, यानी कि वायरलेस है, तो इसमें हम दो चीजें पढ़ना चाहेंगे, लैन के परस्पेक्टिव से भी और वैन के परस्पेक्टिव से। लैन के दोनों के साथ आपकी दोस्ती बड़ी पुरानी है, आप इसको यूज करते रहे। मिसाल के तौर पे, इवन अगर आप यहां भी हैं, अगर मैं यहां पे आपको दिखाना चाहूं स्क्रीन पे, तो आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे इडियोरॉम भी है, यहाँ पे डीएससी लैब 101 भी है, यहाँ पे डीसीएससी लैब 01 भी है, यहाँ पे डीसीएससी लैब ONE भी है, यानी कि मल्टीपल आपको वायरलेस नेटवर्क्स, और ये जो चीज नजर आ रही है, तो इसको कहते हैं SSID। क्या कहते हैं? SSID। तो मल्टीपल SSIDs आपको नजर आ रही है। क्लियर? अब ये SSID किसकी है? WLAN की, जिसको आप ब्रांड नेम के तौर पे वाईफाई भी, वायरलेस फिडिलिटी भी कहते हैं। अब लेडीज एंड जेंटलमैन, इसमें इस वाईफाई में ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा, जस्ट ब्रीफ आपको बताने के लिए कि होता क्या है कि यू हैव मल्टीपल डिवाइसेस। कहाँ है ये डिवाइसेस? ये डिवाइसेस लेडीज एंड जेंटलमैन, हम कह सकते हैं कि ये डिवाइस कहीं यहाँ ये पड़ा हुआ है, ये डिवाइस यहाँ पे छत के साथ लगा हुआ है, तो इसको कहते हैं एक्सेस रूटर। एक्सेस रूटर, तो इसका मतलब है कि मल्टीपल एक्सेस रूटर्स हमारे आसपास कहीं लगे हुए हैं। ये एक्सेस रूटर तीन तरह से काम कर सकता है, एज ए रूटर, एज एन एक्सेस पॉइंट, एंड एज ए एक्सटेंडर, रेंज एक्सटेंडर। कितने तौर पे काम कर सकता है? थ्री, एज ए राउटर, एज ए रेंज एक्सटेंडर, एंड एज ए एक्सेस पॉइंट। ठीक है, नॉर्मली वी यूज इट एज ए राउटर। अब इसका काम, और याद रखो कि इसके बैक के ऊपर फिर भी वायर है, इसके बैक के ऊपर फिर भी इथरनेट है, ये वो इथरनेट स्विच लगा हुआ है। जितने भी तकरीबन आपके डिपार्टमेंट में यहाँ पे एक्सेस पॉइंट आपको नजर आते हैं, उनका सोर्स पीछे सिस्को राउटर, सिस्को लैब है, सिस्को अकेडमी है। जो ही आप कमरे में इंटर होते हैं, तो आपको एक बॉक्स नजर आता है, उसमें वो स्विच पड़ा हुआ है, और आगे ये आपको यहां से वायरलेस कनेक्टिविटी देता है। क्लियर? तो इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड वायरलेस नेटवर्क, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर है इसके पीछे। क्लियर? इसका एक और दोस्त भी है जिसको मैं आज डिस्कस नहीं करना चाहता, उसको कहते हैं मोबाइल एडहॉक नेटवर्क्स, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, उसको मैनेट भी कहते हैं, मोबाइल एडहॉक नेटवर्क्स। वो इमरजेंसीज के लिए एक इफेक्टिव सॉल्यूशन है, लेकिन नॉर्मल यूजर आपके घरों में, आपके बिजनेस में, आपके ऑफिस में, आपकी यूनिवर्सिटी में, जो मैं अभी यहां बता रहा हूं, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड। ठीक है माद? अब इसको लाजमी तौर पर किसी ने स्टैंडर्डाइज किया होगा, तो इसको स्टैंडर्डाइज किया IEEE ने, और इसके स्टैंडर्ड का नाम है IEEE 802.11, 802.11। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये इसका बेस वेरिएंट है, प्रॉब्ली ये 1999 में रिलीज हुआ। फिर इसी वेरिएंट जिसकी स्पीड 1 to 2 Mbps थी, फिर इसके वेरिएंट्स और आते गए,
जैसे कि बी 802.11 बी 802.11 ए जी एन ए सी ए एक्स एंड मेनी मोर. क्या मेन फर्क है बेस वेरिएंट में और एक्सटेंडेड वेरिएंट्स में? स्पीड बढ़ती गई. यहां पे आपको जैसे कि 1 to 2 था, यहां पे आपको 11 मेगाबिट पर सेकंड मिला, यहां पे आपको 54 मेगाबिट पर सेकंड मिला, यहां पे आपको अराउंड 300 मेगाबिट पर सेकंड मिला, और एसी में तकरीबन 1.3 गीगाबिट पर सेकंड आपको मिला. तो स्पीड, क्योंकि एक वैलिड क्वेश्चन था और वो वैलिड क्वेश्चन ये था कि जनाब फाइबर जिंदा रहेगा या वायरलेस जिंदा रहेगा. तो फाइबर के तो हमें पता है कि क्या मेन एडवांटेज है. एक तो कैपेसिटी, बला की कैपेसिटी, नंबर टू डिस्टॉर्शन का. जब कैपेसिटी कहा तो समझे स्पीड, तो मोर कैपेसिटी मोर स्पीड एंड लेस अटेन्यूएशन. इसकी वजह से इन दोनों लेस अटेन्यूएशन की वजह से एक्सटेंडेड रेंज. तो ये फायदे तो हमें पता है, लेकिन वायरलेस उसके उसने अगर जिंदा रहना है तो एक ही था कि 1 to 2 मेगाबिट पर सेकंड के साथ ये जिंदा नहीं रह सकता. हमारे लोग, हमारे शहजादे नहीं मानेंगे 1 to 2 किलो मेगाबिट पर. और ये भी 1 to 2 याद रखो शेयर्ड है. 1 to 2 का मतलब ये हरगिज नहीं है कि हर एक को 1 to 2 मिलेगा. जो जो यूजर बढ़ेंगे तो ये शेयर होता जाएगा. ये एक बकेट ऑफ वाटर है. 10 लोग आएंगे तो हर एक को एक एक जग मिल जाएगा, 20 हो जाएंगे तो हर एक को एक एक ग्लास मिल जाएगा, और अगर 100 हो जाएंगे तो हर एक को एक एक सिप मिलेगा. मेरी बात समझ आ रही जी? क्या कह रहे हैं, हम आज समझाना चाह रहे हैं. लाइन डेडिकेटेड है. तो जब भी कोई वायर्ड होता है वो डेडिकेटेड होता है, जब तक कि उसके आगे आप वायर ना लगा. वायर लगाओगे तो शेड में चला जाएगा. ठीक, एनी हाउ, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, तो आपको ज्यादा से ज्यादा स्पीड इसने बढ़ाने की कोशिश कर रहा है. और अब तक अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस डब्ल्यू लैन के मुख्तलिफ प्रॉब्लम, अब ये को डब्ल्यू लैन 7 तक पहुंच चुका हुआ है. डिफरेंट फ्लेवर्स है जो कि स्पीड बढ़ता है. तो पहले वो डब्ल्यू लैन 5, फिर 6, फिर 7 और इतना आगे बढ़ता जाएगा. क्लियर हो गया मेरी बात जी? तो छोटे एरिया में ये आपको फैसिलिटेट करता है. जैसे मिसाल के तौर पर ये राउटर है, तो ये आपके घर पे आपको फैसिलिटेट तो क्या नीचे डाउन स्टेयर पे नहीं कर सकता. इवन सिस्को लैब में आप देखें तो अभी आपने देखा कि सिस्को लैब में तो मल्टीपल लगे हुए हैं, लेकिन वो मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे. मुझे वो यहाँ दिखाई नहीं दे रहे, कहीं भी मुझे सिस्को लैब नजर नहीं आ रहा. तो इवन इसका मतलब है कि आप उसी फ्लोर पे है लेकिन इसकी रेंज में नहीं. तो शॉर्ट रेंज के लिए इट्स ए गुड सोल्यूशन. क्लियर? तो हम नॉर्मली करते क्या है कि हम स्विच पे ही ले आए, और स्विच के बैक एंड पे, क्योंकि क्वेश्चन मेरा जो है वो तो इंटरनेट है, एक्सेस नेटवर्क है, तो इसकी बैक पे लेडीज एंड जेंटलमैन, इसकी बैक पे हम एक राउटर लगाते हैं, और इस राउटर को, राउटर साहब को हम ISP के साथ कनेक्ट कर देते हैं. तो ऑल द यूजर्स हेयर इंजॉय द इंटरनेट एज एट योर होम. तो क्या क्वेश्चन? लेकिन क्वेश्चन ये है, जेंटलमैन ने हमजा ने क्वेश्चन किया कि रोम तो पूरे यूनिवर्सिटी में करता है. उसकी वजह है कि हर जगह पे उन्होंने ये राउटर लगाया है. अगर वो ए राउटर मिसाल के तौर पे इस लैब से हटा दें, वी आर आउट. या आप पूछे जाके यासर साहब से कि तुम्हें डीरोम मिलता है, तो वो कहता है नहीं मिलता, क्योंकि ये दो लैब मेरे पास थी. मैं चाहिए रिकॉर्डिंग बंद कर दूं कि एक, क्योंकि ये लैब और सिस्को लैब आपको पता है कि वो मेरे उसमें हैं, तो आपका राउटर अंदर लग गया. ताकि मेरा वो था कि अंदर स्टूडेंट अगर बाहर लगे तो अंदर वालों को फायदा नहीं होगा, तो बाहर वालों को छोड़ो अंदर लगाओ ताकि यहाँ पे फायदा हो. और दूसरा सिस्को लैब के बाहर दरवाजे पे लगा, तो उसी वजह से यासर साहब को आखिर कमरे में कुछ भी नहीं मिलता. क्लियर? गॉट इट? नहीं कर सकते हो, सिर्फ ये कर सकते हो कि
अच्छा रहा, क्वालिटी का लो, जैसे आजकल आ रहे हैं, जैसे उसमें एक टेक्नोलॉजी है माइमो, मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट, तो यू हैव मल्टीपल एंटेनास एंड थ्रू मल्टीपल एंटेनास यू मे एंड विद गुड डेफिनेटली पावर एंड एवरीथिंग यू मे रीच अ लिटिल लॉन्गर, लेकिन इसका आर्ग्यूमेंट मतलब नहीं कि आप यहाँ यहाँ यूनिवर्सिटी में लगा लो और को मैं जी इरना में जाके इस्तेमाल करता हूँ. गॉट इट? क्लियर एवरीवन? ओके, अब हम आते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन वैन की तरफ. अब हम आते हैं टुवर्ड्स वैन. वायर्ड एरिया नेटवर्क, कौन सा? सेलुलर वायरलेस वैन की बात कर रहा हूं, सिंपल वैन की बात नहीं कर रहा, अनगाइडेड की बात कर रहा हूं. अब इसके लिए लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर मैं आपको इसको सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि इसको सेलुलर क्यों कहते हैं, क्यों सीआर साहब? क्या जी? जी? तो वजह ये है, वजह ये है, मैं देखता हूं कि मौजूद है कि नहीं है. हेक्सागोनल इज अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जेंटलमैन, इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल. क्या फरमाया? ठीक है, तो दिस इज ओनली ए थ्योरेटिकल, हेक्सागॉन्स में नहीं किया जा सकता. जस्ट ये कि हम बताना चाहते हैं कि देर इज नो स्पेस विच इज अनकवर्ड, तो थ्योरेटिकली यू कैन से समथिंग लाइक दिस, बट प्रैक्टिकली देर इज नो हेक्सागॉन. ठीक, क्यों ठीक जी, अभी जवाब देता हूँ. चल अच्छा कि मुझे ये मिल गया, पिछली क्लास के लिए मैंने इस पे काम किया तो आपके लिए भी इस्तेमाल कर लूंगा. ओके, अब इसको सेलुलर, क्योंकि आपकी या किसी भी ह्यूमन बॉडी इज कंसिस्ट ऑफ स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स एंड दीज स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स आर कॉल्ड दी सेल्स. नो शक शुबा, बायोलॉजी में आपने यही पढ़ा. अब इन दी नेटवर्क्स, पहले मैं इससे पहले एक और चीज बता दूं और फिर इस स्लाइड को इस्तेमाल करूंगा. लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर मुझे वायरलेस कनेक्टिविटी देनी होती, जो कि देनी है, ये इसलिए बनाया कि आप लोगों को भेज भी दूंगा. इसको डॉक कहता हूँ, आप नाम खुद दे दीजिएगा. ओके, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमने एक तरीका ये था कि ये मेरा पूरा का पूरा पेशावर है. ठीक, एक ऑप्शन ये था कि मैं इसके सेंटर में कहीं, पेशावर के सेंटर में भी द कैंट या सिटी, यहाँ पे एक एक पावरफुल ट्रांसमीटर और उस ट्रांसमीटर के आगे एक एंटेना, ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग एंटेना लगा देता, तो क्या होता? इसका सिग्नल यहाँ तक कारखानों में भी मिलता, और इसका सिग्नल दूसरा एंड जो कि लेट करें पबी के पास भी मिलता, और तमाम यूजर जो कि यहाँ पे मुख्तलिफ यहाँ पे बैठे हुए हैं, लाइक दिस, जहां जहां भी है, चाहे वो कारखानों में है चाहे वो पबी में है, ही विल बी गेटिंग इट. क्लियर? द प्रॉब्लम इज दैट व्हाई दिस सॉल्यूशन इज नॉट एक्सेप्टेबल और व्हाई नॉट इंप्लीमेंटेड. द आंसर इज दैट, जी बात ने क्या बताया, तो इसका एक आंसर ये है कि इसकी कोई ना कोई बैंडविड्थ तो इस्तेमाल करता. लेट करो कि ये 10 MB/MHz को इस्तेमाल करता है, और हर यूजर एज्यूम कर लो कि 100 किलो हर्ट्स की बैंडविड्थ मांगता है, तो
तो एक मेगा में कितने हो गए 10, और 10 मेगा में कितने हो गए 100. इसका मतलब साइमल्टेनियसली 100 यूजर्स विल बी यूजिंग दिस नेटवर्क. आप पिशावर जैसे बड़े शहर में या इस्लामाबाद, लाहौर, कराची जैसे बड़े शहरों में 100 यूजर्स, इसका मतलब ये कोई एक ऐसी चीज होती कि किस्मत से मिलती, मोस्टली ना होती. पहली बात. नंबर टू, शायद कि ईईडी जो सेंट्रल डिवाइस लगी हुई है जिसको मैं अभी रेड कर रहा हूं, ये तो सिग्नल यहां तक पहुंचा देती क्योंकि ये इसको फिक्स पावर की है, इसके पीछे हमने पूरा जनरेटर भी लगाया हुआ है, बैटरियां भी दी हुई हैं, नाइस. लेकिन ये जो आपको कारखानों में और पबी में है, जो कि इससे आपको इस फिगर में नजर नहीं आ रहा, लेकिन प्रॉबेबली इसके दरमियान में 10 किलोमीटर का फासला है, और शायद यहां पे 25-20 किलोमीटर का फासला है. ये डिवाइस कम से कम आपकी 20 किलोमीटर तक, ये डिवाइस जो आप अपनी जेब में घुमा रहे हैं, ये डिवाइस जो आप अपनी जेब में घुमा रहे हैं, इसकी बैटरी में इतनी जान नहीं है कि ये एक सिग्नल जनरेट करे और वो सिग्नल 20 किलोमीटर का फासला तय करे. या तो फिर आप इसको गाड़ी में रखते और गाड़ियों में एक बैटरियों से भर के गाड़ी होती और उसके साथ ये लगती और कहते हम इसके बात करते हैं, तो मतलब इम्पॉसिबल सिचुएशन. जो इसका मेन फायदा समझा जाता है कि जी वेयर एवर यू आर, वेदर यू आर इन रोड, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, होम, वो खत्म हो जाता है. क्योंकि इसमें एक स्मॉल बैटरी के साथ ये पॉसिबिलिटी एक चंद मीटर तक तो ले जा सकता है, चंद किलोमीटर तक नहीं ले जा सकता. तो इसलिए ये सोल्यूशन फिजिबल नहीं था. तो क्या किया हमने, लेडीज एंड जेंटलमैन, हमने ये किया कि हमने अपनी पूरे पेशावर को, जैसे कि हमें कहा गया कि जी आप इसको हेक्सागन, मैंने हेक्सागन नहीं ली, मैंने इररेगुलर शेप्स में इस पूरे पेशावर को तोड़ दिया. एंड आई कॉल्ड लाइक द ह्यूमन बॉडी का छोटा यूनिट इज ए सेल, दिस छोटा यूनिट इज आल्सो अ सेल, दिस छोटा यूनिट इज आल्सो अ सेल. Because this communication is between the cells, it is called, it was named as cellular communication. It was named as a cellular communication. Clear? Short range? No, it is not short range. It is W. It is WAN. Abhi explain karta hun. It is not short range. Your WLAN was a short range. Maine iska jab aagaz kiya to maine kaha it is a WAN. आगे बढ़ते हैं. अब क्या किया, हर एक सेल के सेंटर में हमने एक अदर टावर खड़ा कर दिया और उस टावर को कहा कि कम पावर पे ट्रांसमिट करो ताकि वो साथ वाले सेल्स को डिस्टर्ब ना कर, साथ वाले सेल्स को डिस्टर्ब ना कर. मतलब ये हाई पावर लगा होता तो मतलब एक तो आपने देखा कि पॉसिबल नहीं, कम कनेक्शन, कैपेसिटी भी कम, मुमकिन भी नहीं, और शायद एक बहुत बड़ा इसका डिसएडवांटेज होता कि इतनी हाई पावर पे आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एयर में मौजूद होती और इतने ज्यादा लोगों को फैसिलिटेट करती तो प्रॉब्ली इट माइट हैव सम हेल्थ इश्यूज एज वेल. तो दैट वाज द रीजन इट वाज नॉट कंसीडर्ड टू बी अ वैलिड सॉल्यूशन. नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, हमने हर एक के दरमियान में कह लें अप्रोक्सीमेटली, लाजमी नहीं, अप्रोक्सीमेटली हमने एक टावर खड़ा कर दिया और इस टावर के हर एक के अंदर हमने टावर, और टावर को मैंने नाम दे दिया यहाँ पे T1, T2, T3, T4 एंड ब्ला ब्ला ब्ला. तो फॉर एग्जांपल आपका टावर जो है जहां पे आप इस वक्त बैठे हुए हैं वो ये यूटी में के आसपास कहीं टावर आप निकले आपको नजर आएगा, मैं भी कैंपस के अंदर भी हूं. अब ये टावर के नीचे ही एक स्मार्ट बॉक्स पड़ा हुआ है जिसको आप कहते हैं BTS, बेस ट्रांसीवर स्टेशन, बेस ट्रांसीवर स्टेशन. तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने रो में लिया, लाजमी नहीं, अ ग्रुप ऑफ BTS को कंट्रोल करने के लिए पीछे एक और कंट्रोलर दिया गया, चंद BTS को कंट्रोल करने के लिए
पीछे एक कंट्रोलर दिया गया जिसका नाम रख दिया गया बीएससी, बेस स्टेशन कंट्रोलर, जो कि चंद बीटीएस को मैंने एज्यूम किया कि रो वाइज पहला बीएससी इसरो के लिए है, दूसरा बीएससी इसरो के लिए, लाजमी नहीं है रूल, कोई मैंने रूल नहीं बता रहा कि ये रो वाइज में भी इसके आसपास चार यहाँ पे थे, इसने इसको कंट्रोल किया, यहाँ पे चार थे, उसने दूसरे बीएससी ने कंट्रोल किया, और ये बीएससी फिर कनेक्टेड है एमएससी के साथ, मोबाइल स्टेशन, मोबाइल स्विचिंग सेंटर, मोबाइल स्विचिंग सेंटर। तो अब फॉर एग्जांपल ये है स्विचिंग सेंटर यूफोन का, इसका मतलब बस इस पूरे पिशावर को यूफोन ही सर्व करेगा? द आंसर इज नो, द आंसर इज नो। देन व्हाट इज द आंसर? मैंने ये जो ग्रीन बनाया साथ, बनाया मैंने इसके साथ, लेकिन मलिया मुझे बता रही है कि इसको साथ नहीं कहना, ये वैसे समझो कि ये ओवरलैप है। मलिया क्या बता रही है? ओवरलैप है। तो इज्यूम करो कि ये ग्रीन जो है ये इस के ऊपर ओवरलैप्ड है, तो ये वाला ग्रीन जो है ये हम इज्यूम कर रहे हैं कि ये मोबलिंग का है, पहला वाला हम यूफून को कहा ना, उसने भी जमीन को अपने मुताबिक, देखें इसकी इसकी डिवीजन और इसकी डिवीजन सेम नहीं है, उसने अपने मुताबिक इसको डिवाइड किया, और उसी तरह अपने मुख्तलिफ टावर्स खड़े किए जिसके नीचे एयर कंडीशन एक बॉक्स है जिसका नाम है बीटीएस, जिसको कंट्रोल करता है बीएससी और वो एमएससी के साथ कनेक्टेड है। तो यूं इसका भी एमएससी, ये हो गया मोबलिंग का एमएससी, ये हो गया मोबलिंग का एमएससी, ये हो गया मोबलिंग का कंट्रोलर, और यहां पे जो लगे हुए हैं वो है मोबलिंग के बीटीएसएस। क्लियर? अब क्वेश्चन ये है कि अगर कोई यूफोन से यूफोन बात करता है, अगर उसी सेल में है तो इवन द बीटीएस कैन स्विच यू, अगर उसमें नहीं है तो इट विल गिव इट टू द कंट्रोलर, अगर वो इसी कंट्रोलर के अंडर है तो इट कैन स्विच इट, और अगर इसमें नहीं है, मिसाल के तौर पे एक यूजर जो है यूटी में और दूसरा यूजर जो है वो पबी में है, तो वो एक ही कंट्रोलर के अंडर नहीं है, इट विल बी गिवन टू द एमएससी एंड एमएससी विल स्विच फ्रॉम वन कंट्रोलर, फॉर एग्जाम्पल यहां इस कंट्रोलर ने इस कंट्रोलर के हवाले किया, इस कंट्रोलर ने ढूंढा कि कहां है ये यूजर, पता चला कि ये बीटीएस टू में है, बीटीएस टू के वाले कर दिया, बीटीएस टू ने अपने टावर को दिया, टावर ने उस जगह पे उसको गिरा दिया। अब क्वेश्चन ये है कि ठीक है यूफून ने यूफून से तो बात कर ली, अगर यूफून बात करना चाहता है मोबलिंग से, वारद से, टेलीनॉर से, तो फिर क्या हुआ कि ये तमाम की एमएससीज, तमाम की एमएससीज बीटीसीएल से कनेक्टेड है, यानी कि आपके पीएसटीएन के साथ कनेक्टेड है, पब्लिक स्विचिंग टेलीफोन नेटवर्क से कनेक्टेड है, और ये पब्लिक स्विचिंग टेलीफोन नेटवर्क पूरी दुनिया से कनेक्टेड है। अब अगर आपकी कॉल इवन दूसरे मुल्क में जानी है, दूसरे शहर में जानी है, या किसी दूसरी मोबलिंग यानी वायरलेस कंपनी की तरफ जानी है, इट कैन हेल्प। बात समझ आ गई? यहाँ पे एक और फीचर भी है जो कि अभी हमाद ने कहा, फ्रीक्वेंसी री, ओके दो बातें बताना चाहूंगा, एक फ्रीक्वेंसी रीयूज, एक बिग एडवांटेज, एंड नंबर टू हैंडओवर। हैंडओवर का मतलब ये है लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब आपने एक सेल से एक सेल, मिसाल तो आपने कॉल यहां से स्टार्ट की पिशावर से, आप लेट करेंगे हैदराबाद से, हैदराबाद से आप यूटी आ गए, यूटी से आप केएफसी पहुंच गए, केएफसी से आप कैंट पहुंच गए और फोन नहीं बंद कर रहे, तो इसका मतलब आप टावर तब्दील कर रहे हैं, इस अमल को कहते हैं हैंडओवर। बास जगहों पे आप इसको हैंड ऑफ भी पढ़ेंगे, हैंड ऑफ, ठीक है? अभी नहीं बताऊंगा, हैंड ऑफ की फिर तीन किस्में होती हैं, सॉफ्ट हैंड ओवर एंड हार्ड हैंड ओवर। हम आदमी क्या बताएगा दोनों में डिफरेंस? याद था? पढ़ा था, तो चलो पढ़ लो, तो बाकियों को बता देना फिर, ठीक? तो इसके डिटेल में नहीं जाता,
क्योंकि जितना जाता जाऊंगा ये पूरा कोर्स खुलता जाएगा, लेकिन एटलीस्ट एज ए इंजीनियर यू मस्ट नो। ठीक, अब लेडीज एंड जेंटलमैन, फ्रीक्वेंसी यूज का क्या मतलब है? लाजमी बात है, हर एक टेक्नोलॉजी को एक खास बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी दिया जाता है, ये नहीं कि अनलिमिटेड है। उसे कहा जाता है कि भाई तुम्हारे पास सारी की सारी बैंडविड्थ जो है वो फॉर एग्जाम्पल 35 मेगाहर्ट्स है। कितनी है? ओनली 35, स्टार्टिंग फ्रॉम 890 अप टू 925 फॉर एग्जाम्पल मेगाहर्ट्स। तो यू हैव लिमिटेड ओनली 35। अब आप एक यूजर को भी नहीं देना चाहते, एक कंपनी को भी नहीं देना चाहते, क्योंकि उसकी मोनोपोली हो जाएगी। तो यू हैव टू गिव इट टू मल्टीपल कंपनीज, लाइक इन पाकिस्तान यू हैव यू फोन, यू हैव मोबलिंग, यू हैव टेलीनॉर, यू हैव वारिद, और कौन से हैं, जोंग, और कौन से, जैज, यानी मल्टीपल है। तो अगर ये एज्यूम कर लो कि 7 हैं, तो हम कहते हैं जी हर एक को हम 5 देंगे, या जो ज्यादा पैसे देगा उसको हम 10 दे देंगे, जो कम देगा उसको हम 2-3 दे देंगे, डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच ही इज पेइंग। तो कहने का मकसद है कि हर एक को एज्यूम कर लो कि 5 मेगाहर्ट है, वो पूरा पाकिस्तान है। 5 मेगाहर्ट से वो पूरा पाकिस्तान है, और आप उसे ये भी नहीं कह सकते और ले लो, क्योंकि वो बाकी सारी बिक चुकी है, उसकी ऑक्शन हो चुकी है। अब आप नहीं जाके पीटीए को कह सकते मुझे और दो। तो यू हैव टू यूज द सेम इन द होल कंट्री। क्यों मलिया, कर लोगी? यस आर नो? तो डॉक्टर साहब कहती है कर दूंगी। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम यहां पे बात कर रहे हैं किस तरह करेंगे कि इसके पास 5 मेगा है, तो ये इस फ्रीक्वेंसी को बार बार इस्तेमाल करेगा। मिसाल के तौर पे ये फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां पे एक और डायग्राम बना लूं, कैसे, मैं जरा बड़ा साइज वो बनाना चाहता हूं ताकि समझ में आए। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरे पास 5 मेगाहर्ट्स है और मैंने इसको मल्टीपल पीसेस में तोड़ दिया। मैं क्या करता हूं, मैं उसका लेट करें कि 890 से लेके मुझे 895 तक मेगाहर्ट तक, यानी कि 5 मेगाहर्ट अलाउड है। मैं पहला मेगाहर्ट 890 से, मैं सिर्फ 90 लिख लूंगा, 90 से 91 यहां इस्तेमाल करता हूं, 91 से 92 यहां इस्तेमाल करता हूं, 92 से 93 यहां इस्तेमाल करता हूं, 93 से 94 यहां इस्तेमाल करता हूं, और 94 से 95, या 94 से 95 यहां इस्तेमाल करता हूं। यहां पे मैं, क्योंकि अब औरों में तो मैंने नहीं दी हुई, मैं क्या करता हूं, फिर मैं यहां पे दोबारा 90 से 91 इस्तेमाल कर लेता हूं, यहां पे मैं दोबारा 94 से 91 से 92 इस्तेमाल कर लेता हूं फॉर एग्जाम्पल। तो मैं वही फ्रीक्वेंसी बार बार इस्तेमाल कर रहा हूं, तो दैट फिनोमिनन इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी यूज। जी देखे ना, यहां पे आप अगर मिसाल के तौर पे ये आप यूटी में खड़े हैं, इस सेल में हैं, और ये वाला सेल जो है मिसाल के तौर पे ये नौशहरा में है, तो अगर आप यहां पे भी वही फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल कर रहे हैं, और यहां पे मैंने पहले कहा कि इस आपका मोबाइल तो काबिल ही नहीं है कि यहां से सिग्नल भेजे और नौशहरा में पहुंचेगा, तो यानी कि इसके इसके खौफ से तो हम बाहर हैं। और जो आपने यहाँ पे बीटीएस लगाया हुआ है, टावर लगाया हुआ है, उसको भी आपने कहा लो पावर पे रहो, उसका भी सिग्नल यहां तक आने का कोई चांस नहीं। तो इसका मतलब कि ये फ्रीक्वेंसी जो आप यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं और जो आप यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे थे, वो एक दूसरे के साथ कभी भी इंटरफेयर नहीं करेंगे, इसलिए आप वही फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दोबारा इस्तेमाल कर सकते हो। हाँ, अगर आप ये करते कि यहाँ पर भी पहले उसमें भी पार्ट में भी 90 to 91 इस्तेमाल करते और दूसरे में भी 90 to 91 इस्तेमाल करते, डेफिनेटली दे विल इंटरफेयर विद वन, नॉट अलाउड।
क्लियर हो गया हमारा इस तरह के क्वेश्चन? यहाँ से मैंने कॉल किए ना, तो मैंने चल के नहीं कॉल किए, तो यहाँ से जो बेस स्टेशन में कंटेक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, उसके साथ स्विच हो जाता है कि चल के नहीं कॉल कर रहा हूँ, तो इस तरह इंटरफेरेंस नहीं है कि अगर मैं शहर में कॉल करता हूँ शहर वाला भी कोई यूज़ कर रहा हूँ। प्लीज, होता ये है लेडीज एंड जेंटलमैन कि अगर आप यहाँ पे बात कर रहे हैं, मैंने ये अब मैं बड़ा अपना ये सेल बना लेता हूँ, आप यहाँ पे बात कर रहे हैं 90 से 91 के दरमियान में, आपको बता दिया गया कि आप 90.1 से लेके 90.3 तक की यानी 200 किलो की फ्रिक्वेंसी इस्तेमाल करोगे, बस आपके आपके डिवाइस नहीं, आपके डिवाइस इस फ्रीक्वेंसी पे सिग्नल जनरेट करता है और इसके टावर पे पहुंच जाता है। टावर पे पहुंच जाता है, पहुंच गया, आसान हो गया ना बात। अब इस टावर के आगे तो सारा का सारा वाइल्ड है, बीटीएस यहाँ पे था, इस बीटीएस से जो बीएससी तक कनेक्शन है वो ऑप्टिकल पे है मोस्टली, बहुत कम माइक्रोवेव पे होता है, मोस्टली ऑप्टिकल फाइबर पे। यही बीएससी कनेक्टेड है अपने एमएससी के साथ, अगेन ये तो कंफर्म ऑप्टिकल पे है। अब इसने कहा कि जी आपका दूसरा जो कनेक्शन था वो है, आपने कहा नौशहरा में, यानी सोर्स यहाँ पे है, हमाद यहाँ पे है, हमाद वन हमाद टू आज नौशहरा में है, तो दोनों हमाद ने अपने बात करनी है। जब इस टावर पे आएगा तो इसका बीटीएस इसको एक फ्रीक्वेंसी असाइन करेगा जो कि इसके मुताबिक होगी, वो उसका रीयूज पार्ट भी हो सकता है और कोई और भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे आपने तो यहाँ 90 to 91 इस्तेमाल की, इसने यहाँ पे 93 to 94 इस्तेमाल की, तो इसको एक और फ्रीक्वेंसी इस यूजर को बताई जाएगी कि मिस्टर यूजर तुम इस टावर से कनेक्ट हो जाओ, फॉर एग्जाम्पल एट द फ्रीक्वेंसी 91.2 से लेकर 93.4 तक, तो ये टावर से इस फ्रीक्वेंसी पे बात करेगा और आप इस फ्रीक्वेंसी पे इस टावर से बात करेंगे, तो कोई मसला नहीं है। क्यों जी दानियाल फिहाम, ठीक है। अब लेडीज एंड जेंटलमैन, इस सेलुलर टेक्नोलॉजी में, इस सेलुलर टेक्नोलॉजी में मुख्तलिफ जनरेशन आई, इट स्टार्टेड विद द फर्स्ट जनरेशन, इट स्टार्टेड विद द फर्स्ट जनरेशन 1G, अल्दो के जो आज की जनरेशन है वो अपने उस्ताद को भी कहती है कि जनाब हम ज्यादा ब्राइट हैं, अल्दो टेक्नोलॉजी वाइज देखें तो शायद ये वाहिद जनरेशन है जिसने सारी टेक्नोलॉजीज को एटलीस्ट देखा हुआ है। इस जनरेशन ने, अगर मैं इसकी बात करूं आपके सेलुलर की, तो इन्होंने 1G भी यूज किया है, इन्होंने 2G भी यूज किया है, इन्होंने 3G भी यूज किया है, इन्होंने 4G भी यूज किया है और ये 5G के लिए भी रेडी है। इसी तरह अगर आप वाईफाई की बात करते हो तो इन्होंने बेसिक वेरिएंट से लेके जो लेटेस्ट वेरिएंट है सारे इस्तेमाल किए। इसी तरह अगर आप इनको टीवी और रेडियो के हिसाब से देखो तो इन्होंने वो कैसेट वाला टेप रिकॉर्डर भी यूज किया है, इन्होंने वो एक डिवाइस होता था जिसके अंदर क्या उसको कहते थे, नहीं विसियार तो एक अलग वो है, वो नहीं डीवीडी भी नहीं, उसमें काफी पहले आता था, उसमें एक बड़े बड़े बारीक किस्म के डिवाइस मैग्नेटिक टेप होती थी, वो हम चेंजर आई डोंट नो द नेम वो रखते थे और आप उसके ऊपर एक फिर एक आई डोंट नो द नेम बट इट वाज नाइस बॉक्स टाइप होता था, उसमें रखते थे और वो म्यूजिक प्ले करता था, चेंजर पहचान लिया ना। तो सारी चीजों से ये जनरेशन गुजरी हुई है अप टू द डीवीडी और जो भी आप आज इस्तेमाल कर रहे हैं, क्लियर। जैसे आपने वीसीआर का
VCR, tape recorder, everything. So yahan pe, ladies and gentlemen, we started with this with the first G, first generation. And in Pakistan, an American system was launched and the name was AMPS. Advanced Mobile Phone System. At that time, it was considered to be a advanced. आज अगर आप किसी बच्चे को भी दें तो वो कहता नहीं लेता. No more available anywhere in the world. Then came the second generation, 2G. And the good example is GSM, European. However, इसका rivalry में CDMA 95 from Qualcomm. From Qualcomm. Qualcomm is a US company. Then came the 2G ke baad 2.5G. GPRS. GPRS. 2.75G H. Aaj bhi aap GPRS H istamal kar rahe ho. बाद आप डेटा पे कनेक्ट होते हो तो आपको जी या ई नजर आता है. इसका मतलब आपको बता रहा होता है कि इंजीनियर साहब, कम से कम आपको तो पता होना चाहिए कि यू आर यूजिंग द जीपीआरएस और यू आर यूजिंग एच. देन केम द 3G एंड द गुड एग्जांपल इज यूएमटीएस, यूनिवर्सल मोबाइल टेलीफोन सिस्टम. एंड द इसका अमेरिकन दोस्त CDMA 2000, CDMA 2000. Although इसके दरमियान में भी 3G में और 4G के दरमियान में HSDPA, HSUPA और HSPA आया. और आज भी जब आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं बाद का डेटा के टाइम पे आपको H या H प्लस नजर आता है, कभी गौर किए तो वो आपको बता रहा होता है कि हमाद साहब सोच लो, ये आप इस वक्त क्या इस्तेमाल कर रहे हो एंड इट इज फास्टर as compared to the G and E, this HSPA is quite fast. Then came your LTE, long term evaluation. Duniya ne isko 4G ke saath laaye, lekin ek maliya nahi manti thi. Jab ye nahi mani, to duniya ne kaha ji hum ek aur variant, usko 3.9G keh diya, aur uska ek aur version LTE-A एडवांस निकाल दिया. फिर मलिया ने कहा हाँ ये ठीक है, ये 100 मेगाबिट पर सेकंड तक देता है, मैं इसको 4G मान लेती हूँ. फिर हम आजकल हम वी आर एट द डोर ऑफ 5G. तो दीज आर द जनरेशन ऑफ यूएस सेलुलर फोन. तो लेडीज एंड जेंटलमैन, यही सब कुछ मैंने यहाँ पे एक स्लाइड और तक कम अज कम ना हो तो ना हो एक घंटे से मैं इस पे बात करना. ठीक है लेडीज एंड जेंटलमैन, इसके बाद मैं स्लाइड को डिस्कस करना चाहता हूं. एंड दिस स्लाइड इज अबाउट, और अगर कोई भी ऑप्शन ना हो तो ट्यूसडे के बाद किसी भी एक दिन जहां पे आपका स्लॉट खाली हो लेट मी नो, मस्ट है. अदरवाइज पेपर में वो है, नहीं करोगे तो पेपर से फारग होगे, क्योंकि डेढ़ घंटा और करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है. मैं अभी 3-1.5 घंटा पढ़ा गया हूँ, आपके साथ भी तकरीबन 1.5 घंटा हो गया है, उन्होंने 3-2.5 घंटे 3 घंटे और भी पढ़ाना है. तो यहाँ पढ़ाऊंगा तो किसी भी दिन में ही, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे में ही, जो दिन भी फारग हो जस्ट गिव मी दी. तो मैंने कहा कि कल की क्लासेस हैं, यहाँ तक वो पढ़ चुके हुए हैं बी और सी, तो कल मैं उनको वो पढ़ाऊंगा और वो एग्जाम में दूंगा, इसलिए मस्ट कम. अगर कल आप बी और सी के साथ नहीं अपने आप को एडजस्ट कर सकते तो फिर एक्स्ट्रा क्लास दे दूंगा. अब लेडीज एंड जेंटलमैन, हम बात करना चाहते हैं, आई एम कमिंग, आ रहा हूं. The next is about the के जनाब, आपने कभी सोचा होगा कि अगर मिसाल के तौर पे, मैंने आपको कई दफा ये बताया कि मुझे बाज़ औक़ात बड़ी बड़ी फाइलें
अपलोड और डाउनलोड करनी पड़ती है। मिसाल के तौर पे अगर मैं इमेजेस में चला जाऊं तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस वक्त मुझे जो बड़ी फाइल नजर आ रही है वो ये छोटी सी फाइल है। ये वो छोटी सी फाइल का साइज अगर मुझे कोई बता दे कि इसका साइज क्या है तो मैं आपका शुक्रगुजार रहूंगा। जी कितना है? 5.4 गीग, 5.4 गीगाबाइट। तक अगर बिट्स में करना है तो 8 से मल्टीप्लाई कर लो। जो .4 को छोड़ देते हैं, अदर .4 भी गीग्स में है, छोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन चलें एग्जांपल के तौर पे छोड़ देते हैं। तो इसका मतलब कि इट इज 40 बिलियन, बिलियन का मतलब अरब, 40 बिलियन बिट्स है। अपने वजीर आजम साहब को इतने इतने रुपए तुम्हारे तुम्हारे खजाने में नहीं है जितने बिट्स हम हर रोज डाउनलोड कर लेते हैं। क्लियर? अब लेडीज एंड जेंटलमैन, और आपको पता है कि हर एक मीडियम का कोई ना कोई बिट एरर रेट होता है, बिट एरर रेट होता है। मिसाल के तौर पे बहुत भी अच्छा मीडियम हो मे बी, जिसमें आप कह सकें कि जी 100 मेगाबिट्स भेजो, 100 मिलियन बिट्स, 100 मिलियन बिट्स, तो सिर्फ एक बिट इसमें एरर में आती है, तो इट इज अ वेरी गुड मीडियम, नो डाउट। लेकिन बलिया, ये साइन फाइल जो अभी हम डाउनलोड कर की हमने, इसमें कितने बिट्स हैं? 40 बिलियन, बिलियन का मतलब 10^9, 10^9 बिट्स हैं। हम देखना चाहते हैं कि इसमें कितने एरर्स होंगे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर। तो यू क्रॉस मल्टीप्लाई, सो यू विल बी गेटिंग दिस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 40 × 10^9 डिवाइडेड बाय 100 × 10^6, 100 × 10^6। तो इसको इससे कैंसिल कर दो तो 10^3, और 2 भी कर दो तो 10, यानी तकरीबन 400 बिट्स एरर में आएंगे। प्रोबेबिलिटी है कि अप्रोक्सीमेटली 400 बिट्स विल बी इन एरर। फिलहाल हम कहता है कि अगर 400 बिट तो क्या 4 बिट भी हो तो ये फाइल काम की नहीं है। इसका मतलब अगर आप इसको 50 दफा भी डाउनलोड करें, ऑल्दो इट माइट टेक आवर्स, तो आवर्स के बाद भी आपका सिस्टम कहता है कि ये मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं। और एक और भी इसका नुकसान होता कि अगर एक दफा दानियाल ने ये फाइल लगा दी डाउनलोड करने की, जो कि 40 बिलियन बिट्स हैं, तो इसका मतलब कि ये चैनल इसने पकड़ लिया, अब कोई और उसको इस्तेमाल करने का सोचेगा, सोच भी नहीं सकेगा। पहले तो इसको नहीं मिलेगा, और जब इसको मिल गया तो फिर बाकियों को स्टारवेशन होगी। और अगर चले हम कहते हैं कि हमाद साहब दोबारा कर दो, खैर है शागिर्द दो, कुछ तो ख्याल करो, दोबारा भी करता तो फिर भी 400 ना होती, 990 हो जाती, या हो सकता है 410 हो जाती, फिर भी हम कहते हैं जी कब ये जो है गार्बेज है। तो बार बार करते रहते हैं, बार बार गार्बेज आता रहता। सिंपल इज दिस, दैट द रीजन व्हाट वी डू लेडीज एंड जेंटलमैन, वी टेक दिस 40 बिलियन बिट्स एंड वी डिवाइड इट इनटू स्मॉलर चंक्स एंड वी कॉल देम दी चंक्स एज पैकेट्स। अब आपका सवाल ये बन रहा है, क्या इसको तोड़ने से क्या एरर खत्म हो गया, क्या एरर कम हो गया? क्योंकि बिट्स तो वही है, बिट्स तो वही, आपने 40 40 बिलियन बिट्स भेजनी है। इससे फायदा ये होगा कि फॉर एग्जाम्पल अगर ये आपका अब 10 किलो हो गया, या 100 किलो हो गया, चलें 10 किलो ले लें, आपका पैकेट 10,000 बिट्स है, तो अब क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर होगा? देख लेते हैं दोबारा से। हमने कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इज कि अगर हमारे पास 100 बिलियन हो तो एक बिट एरर में जाती है, अगर हमारे पास 10 किलो हैं तो कितने बिट एरर में आएंगी? तो द क्वेश्चन मार्क विल गिव अस एन आंसर ऑफ 10 × 10^3 डिवाइडेड बाय 100 × 10^6।
सिक्स, तो ऊपर 10^4 है, तो इसमें से 6 में से 4 काट दें तो 10^2, और यहां भी 10^2, इसका मतलब दी एरर प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इज 10^-4, वेरी स्मॉल प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इज, सो द चांसेस इज दैट दिस पैकेट विल बी रिसीव्ड विदाउट एरर, और अगर कोई एक एरर में आ भी जाए तो ओनली वी हैव टू सेंड दिस स्मॉल पीस अगेन, वी डोंट हैव टू री डाउनलोड द 40 बिलियन अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन. बात समझ आ रही? सो इन दिस वे दैट द रीजन, मतलब आपका जेन में जो क्वेश्चन था कि जनाब हम व्हाई वी डिवाइड अवर डेटा इन पैकेट्स, एंड बिकॉज नाउ वी आर स्विचिंग दीज पैकेट्स थ्रू द नेटवर्क, दिस टाइप ऑफ स्विचिंग इज कॉल्ड पैकेट स्विचिंग. दिस टाइप ऑफ स्विचिंग इज कॉल्ड, नाउ यू आर नॉट स्विचिंग द होल मैसेज, हम यू आर नॉट स्विचिंग द होल मैसेज ऑफ 40 गीग, यू आर ओनली 100K. डू रिमेंबर, लाजमी नहीं कि 10K, समटाइम इट माई बी 10.2K, समटाइम इट माई बी 5K, 6K, वेरिएबल. एनी क्वेश्चन? ओके, अब हम आते हैं एक टर्म की तरफ अगेन, लेडीज एंड जेंटलमैन. क्या मैं रब कर दूं? इजाजत है? ओके, सिस्टम के हाथ में और टेक्नोलॉजी के हाथ में, टेक्नोलॉजी के हाथ में और सिस्टम के हाथ. अगर एक टेक्नोलॉजी कहती है कि जी मैं ज्यादा से ज्यादा, मिसाल के तौर पर 12,000 बिट से ज्यादा बर्दाश्त नहीं करूंगी, तो सिस्टम उसको कभी भी 12,000 से ज्यादा बिट्स नहीं देगा, उससे कम ही देगा. ठीक, ओके. अब हम आते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, कि अगर आपने, अब प्रीवियस क्लास में तो उमर ने एक वो क्वेश्चन डाला, लेकिन मेरे पास वहां पे नेट नहीं था, फिर भी मैंने उसको जवाब दे दिया, कि अगर आप पिशावर से, पाकिस्तान से, यूईटी से कनेक्ट होना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे नेट अकैड के साथ, और आफ्टर द मिड टर्म आई विल बी यूजिंग अलॉट नेट अकैड, ठीक है? सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप ये नहीं कह सकते कि जी नेट अकैड जो है वो सिस्को अकेडमी में पढ़ा हुआ है. This Net Academy is somewhere in US. अगर आप इस मेरी बात से इत्तफाक नहीं करते हो तो हम अभी चेक करके देख लेते हैं कि कहाँ पे है जी Net Academy. आप लोग भी चेक करके बताएं जी, हो सकता है आपको पता चल जाए, हो सकता है मुझे पता चल जाए, लेकिन मेरी तरफ जरूर देखते रहें. मैं जाता हूँ कमांड प्रॉम्प्ट पे, और कमांड प्रॉम्प्ट पे मैं देता हूँ www.netacad.com. इंटर करता हूँ, गलती की है, ओ पिंग नहीं लिखा सर, तो मैं इसको लिखता हूँ पिंग फॉर एग्जाम्पल, इंटर करता हूँ. मैं इंटरेस्टेड था इस एड्रेस में सिर्फ, तो दानियाली अपने पास लिख लो 23.10.223.234.225. तो ये काम मैंने नेटकैट से भी कर सकता था, लेकिन एनी हो दोनों से करके बता देता, लिख लिया. अब मैं जाता हूं ब्राउजर पे, और ब्राउजर पे मैं जाता हूं हु इज पे, और यहां पे मैं ये आईपी इंटर कर देता हूं जो कि दानियाल बताएगा, 23.10.234.225, सर्च को दे देते हैं जी, तो पता चला कि जेंटलमैन ये एड्रेस किसके पास है, किस मुल्क में है, तो पता चला कि ये कैम्ब्रिज में है, और कि कैम्ब्रिज यूके वाला नहीं है, ये कैम्ब्रिज यूएस वाला है.
तो इसका एड्रेस जो है वो क्या है, 145 ब्रॉडवे कैम्ब्रिज, इसका स्टेट का नाम एम ए, आई डोंट नो व्हाट इज बाय एम ए बट मैसाचुसेट्स समथिंग मैन है, तो कुछ भी एम ए एंड देन यूएस। तो ये कहाँ पे है, इस इसको एकेडमी में नहीं है, दिस इज इन द यूनाइटेड स्टेट्स। और अगर मैं इस तक पहुंचने की कोशिश करूं तो आपको नजर आएगा कि अगर आई डू द ट्रेस आर टी एंड आई यूज www.netacad.com, तो लेडीज एंड जेंटलमैन अभी आपको पता चलेगा कि आपको तो लगता है कि आप बस लिखते हो netacad.com एंड यू आर देयर, लेकिन मलिया इधर नहीं देखती, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि इधर ही देखो, आप देख रहे हो कि हम कितनी नोड से गुजर के पहुंचेंगे इस netacad तक। इसलिए तो स्टूडेंट इतने होशियार हैं कि इसको यूज ही नहीं करते, कहते हैं कि भाई दूर है इसलिए इस्तेमाल नहीं करते हम। हाँ, इसको ये पता है कि एक्स जो है और यूट्यूब जो है और फेसबुक जो है वो कहीं हमारे आसपास घर में पड़ा हुआ। जैसे मैंने कहा कि जी फेसबुक अमेरिका में है, तो उमर कहता नहीं सर मेरी जेब में है। क्लियर एवरीवन? तो ये आप देख रहे हैं कि मैं आहिस्ता आहिस्ता अपनी डेस्टिनेशन जो कि इस केस में नटकैड है उस तक पहुंचना, और 5-6 हॉप हो गए हैं अभी तक, मैंने मेरी कोई उस तक रसाई नहीं। जी ओके, अब क्वेश्चन, अभी तो मैं कराची पहुंचा हूं जी, अभी तो मैं कराची के कराची पीटीसीएल पाई पाई नेटवर्क के उसमें पहुंचा हूं, पाकिस्तान इंटरनेट एक्सचेंज, पीआईई स्टैंड फॉर पाकिस्तान इंटरनेट एक्सचेंज। तो अभी मैं कराची पहुंचा हूँ, कराची से अब आगे मैंने सफर लेना है अमेरिका तक, कैम्ब्रिज तक। ठीक है, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप जो आपका दोस्त बाहर गए हुए आपसे पूछेंगे, हम आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं, टाइम लग रहा है सिर्फ। तो अब हम कहीं मुख्तलिफ ममालिक किसी दूसरे मुल्क में पहुंच चुके हुए हैं, तो आपको बताना मकसद ये है कि आप इन बिटवीन देयर आर मैनी, बिटवीन यू एंड योर डेस्टिनेशन देयर आर मैनी होस्ट। क्या हो गया? यहाँ पे फायरवॉल होगा, अभी तो माशाल्लाह हांगकांग पहुंचे हैं। सिंगापुर पहुंचे हैं, चिनाहे पहुंचे हैं। वापस तो नहीं 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 तो लेडीज एंड जेंटलमैन ये होने दें, और आखिरकार हम इस एड्रेस 23.10.234.225 जो कि हमें दानियाल ने बताया, हम उस तक, और उसका नाम भी आपको नजर आ रहा है कि ये technologies.com, और यहाँ भी अगर आप देखते हैं तो आपको नजर आया था कि यही डॉट। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि बिटवीन यू एंड योर डेस्टिनेशन देयर इज नॉट एसेंशियल डेट यू आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू दी टू इट, सो इन बिटवीन देयर आर न्यूमरस नोड्स। ओके, नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, इसका मतलब है जब यहां से कोई चीज यहां पहुंचेगी फ्रॉम दी ग्रीन टू द रेड, इट विल टेक सम टाइम, एंड दैट टाइम इज कॉल्ड डिले, दैट टाइम इज कॉल्ड लेटेंसी, और इट मे बी कॉल्ड एज एंड टू एंड डिले, एंड टू एंड डिले। ठीक है, कि आपने ग्रीन टू रेड पहुंचने को डिले भी कह सकते हो, लेटेंसी भी कह सकते हो, और एंड टू एंड डिले भी कह सकते हो। और अगर यही चीज मैं आपको यहां पे दिखाना चाहूँ, एक और चीज भी कर दूं फिर वापस जाता हूं, अब बाज औकात इस रेड से वापस ग्रीन को भी जवाब आएगा। जैसे अभी आप लोगों ने देखा कि 2 मिलीसेकंड, 3 मिलीसेकंड, ब्ला ब्ला, ये वो टाइम है जिसमें मेरा सवाल गया और मेरा मुझे जवाब भी आ गया। तो लेडीज एंड जेंटलमैन,
ये जवाब भी आ गया, दिस इज कॉल्ड राउंड ट्रिप टाइम, व्हाट डू यू कॉल इट। अब अगर मैं यहां पे फॉर एग्जाम्पल स्पीड टेस्ट डॉट नेट पे चला जाऊं, एक तरफ मेरा पर्न है, पाकिस्तान एजुकेशनल रिसर्च नेटवर्क, जो कि कौन रन करता है पर्न को, एजीसी, कौन रन करता है, एजीसी। और दूसरी तरफ आप अपनी मर्जी का सर्वर ले सकते हो, आपकी मर्जी है, आप कहते हैं नेटल पिशावर, नेटल इस्लामाबाद, आप कोई भी सर्वर अपने लिए डेस्टिनेशन के तौर पे चूज कर सकते हो। तो सॉरी, नेट पॉइंट इस्लामाबाद अभी लिया गया, यहाँ पे कोई अफगानिस्तान का इथसलात था, जलालाबाद का, ये ले लेते हैं और इसको करते हैं गो। तो देखें जी, ये आपको क्या बता रहा है, ये आपको बता रहा है लेटेंसी, दे डाउनलोड लेटेंसी, ये अपलोड लेटेंसी। इसलिए हमें नजर तो दे तो मिलती रही होती है, लेकिन हम इतने खुशकिस्मत हैं कि हमें डाउनलोड मिल रहा है 90 मेगाबिट पर सेकंड का, फिर भी हम यूनिवर्सिटी को कहते हैं बुरी यूनिवर्सिटी है, और हमें समझा जा रहा है इतने बेवकूफ है, हमें इंजीनियर समझते हैं, हमें 100+ मेगाबिट पर सेकंड का अपलोड मिल रहा है। अच्छा ये हमारा है जी, ये सलाद कहाँ से आया, वो मेरी डेस्टिनेशन थी जरा। लेकिन वो आपको नहीं दे, उसके एंड पे मसला है ना, आपका एंड इज गुड जी, इवन मैं आपको उस पे ले जाता हूँ अपने ओके, आप अगर इससे वो हो, मैं जाता हूँ इडियोनॉम को छोड़ता हूँ, एंड आई यूज फॉर एग्जांपल इफ लेट मी के इफ आई कैन कनेक्ट हियर, क्यों बंद हो जाएगी जी, हमारा नेटवर्क को इतना बुरा है या हमारी यूनिवर्सिटी को इतनी बुरी है कि हम आपकी ये बातें सारी सुने, इल्हाम फिर भी काम नहीं करता हमारे। देखें जी, दोबारा हम इसको कहते हैं कि जाओ जी इस पे, इवन आपके घर में भी ये 15 मेगा, ओ तो आप कर रहे हैं, आपके घर में भी 15 मेगाबिट पर सेकंड नहीं है। और अब अपलोड देखो, चार वाली बातें यहां नहीं है, देखो याति के दान नहीं है, टेक्नोलॉजी के दान है, ये सच ही बोलते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने इसलिए यहाँ लाया कि आपको बताऊं कि इट इज शोइंग मी द लेटेंसी, द डाउनलोड लेटेंसी एंड द अपलोड लेटेंसी डिले। तो ये टर्म आपको समझाना मकसद था, इसके लिए मैं यहाँ पे लेकर आया ताकि आपको समझ आ जाए। अब इस डिले में लेडीज एंड जेंटलमैन मुख्तलिफ किस्म के डिलेज होते हैं। अगर मैं इस लेटेंसी को क्या करना चाहूं, इसका पोस्टमार्टम करना चाहूं, तो इसमें कौन कौन सी चीजें होंगी। नंबर वन, ट्रांसमिशन डिले, ट्रांसमिशन डिले, नंबर डिले साथ को लिख लें डिले। नंबर टू, प्रोपगेशन डिले, प्रोपा गेशन डिले। नंबर थ्री, क्यूइंग डिले। नंबर फोर, प्रोसेसिंग डिले। ऑल ऑफ दीज डिलेज समड अप एंड बिकम्स दी एंड टू एंड डिले, बिकम दी एंड टू एंड डिले, क्लियर। एंड व्हेन यू मल्टीप्लाई मलिया, व्हेन यू मल्टीप्लाई, आई यूज अ डिफरेंट कलर, टू मोर टाइम्स दी एंड टू एंड डिले, टू टाइम्स एंड टू एंड डिले, व्हाट विल बी द रिजल्ट। बोलो, बोलना पड़ेगा। बोल दो, अब तो बोल दो, इतनी 3 दिन एरो लगा दिया, अभी नहीं बोलती हो।
राउंड ट्रिप टाइम, क्या कहते हैं? राउंड ट्रिप टाइम। क्लियर? अब अगर लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आपने ये कैलकुलेट करने हैं तो ट्रांसमिशन डिले इज, अगली उसमें बता दूंगा, इट इज द लेंथ ऑफ द पैकेट डिवाइडेड बाय द कैपेसिटी, लेंथ ऑफ द पैकेट डिवाइडेड बाय द कैपेसिटी ऑफ दिस लिंक। दिस प्रोपगेशन डिले इज सिंपली एस इज इक्वल टू वी टी। तो दिस टी इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय द स्पीड ऑफ द सिग्नल। योर क्विंग इज नॉट, बिकॉज एनीथिंग विच कैन बी डन बाय फॉर्मूला, मैथमेटिकल फॉर्मूला इज कॉल्ड डिटर्मिनिस्टिक, बट अनफॉर्चुनेटली द क्विंग डिले इज नॉट डिटर्मिनिस्टिक, इट इज प्रोबेबिलिस्टिक। तो ये आपको मे बी हमाद साहब ने पढ़ाया हो, इस किसने पढ़ाया, प्रोबेबिलिटी हमाद खलील ने, वही कह रहा हूँ कि क्विंग डिले प्रॉब्ली उसने बात की हो, नहीं भी की तो ये प्रोबेबिलिटी के जरिए हम मालूम करते हैं। एंड फाइनली द प्रोसेसिंग डिले इज डिपेंडिंग अपॉन योर हार्डवेयर, डिपेंडिंग अपॉन योर हार्डवेयर। तो वेन यू सम अप देम ऑल यू गेट एंड टू एंड डिले, एंड वेन यू मल्टीप्लाई बाई टू यू गेट द राउंड ट्रिप डिले। And with this, I close the session today. I will be asking you for another session within this week. Either possible है तो कल की उसमें mix होना, नहीं है तो मुझे कोई और time बताएं, मुझे एक tutorial करवाना है, and then we will be, और उसमें मैं वो भी लूंगा, quiz भी लूंगा, इसलिए आना must है। नहीं तो भाई जाना is end to end, वापस आना is another end to end, so two times end to end is the round trip time. देखा ना ये लफ्ज, वो भी जो आप जैसे पढ़े लिखे तो नहीं होते, लेकिन ये जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, कहता जी लाहौर यू ट्रिप बांधे लाड़ा, ट्रिप का क्या मतलब है कि आई विल बी गोइंग टू लाहौर एंड कमिंग बैक। ठीक है, तो आई स्टॉप हियर, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क।